उत्तराखंड के 51 चिन्हित वाइब्रेंट विलेज के लिए 510 स्कीम बनाई गई है। ग्रामीण विकास अपर सचिव नीतिका खंडेलवाल ने बताया कि इनमें से पॉलिट्री और भेड़ पालन को लेकर भी सरकार की ओर से प्रयास किया जा रहा है ताकि लोग इस ओर आकर्षित हो सके। इसके साथ ही आउटडोर इंडोर फैसिलिटीज को भी बढ़ावा देने पर शासन का पूरा जोर है ताकि प्लेग्राउंड भी इन तमाम गाँव में बन सके। उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट विलेज में लोग ज्यादा नहीं रहते, इसलिए सरकार चाहती है कि जो लोग वहाँ रह रहे हैं उन लोगों को सब सुविधा मिल सके ताकि उनका जीवन आसान हो। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हमारे उत्तराखंड में 51 गांवों का चिन्हीकरण किया गया है, 3 जनपदों में और 5 ब्लॉक में। तो इन 51 गांवों का वाइब्रेंट विलेज का एक्शन प्लान बनने की बात हुई थी, जिसमें अभी लगभग हमें जिलों से जो एक्शन प्लान बने हैं वो 758 करोड़ के बने हैं। 758 करोड़ के प्लान अभी स्टेट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी में गए हैं, जिसमें कुछ योजनाएं ड्रॉप की गई हैं, कुछ योजनाओं को ऐड किया गया है। और ये 758 करोड़ कन्वर्जेंस है, मतलब 758 करोड़ में लगभग कुछ 115 करोड़ का जो प्लान है वो हमारा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम से आया जाएगा और उसके बाद स्टेट सेक्टर से लगभग 53 करोड़ लिया जाएगा। ये प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होने के बाद मुख्य सचिव महोदय ने कुछ निर्देश दिए हैं, कुछ योजनाओं में संशोधन चल रहा है, तो जो फाइनल प्लान है वो हमें अभी एक सप्ताह का टाइम मुख्य सचिव महोदय द्वारा सभी डिपार्टमेंट्स और जिला अधिकारियों को दिया गया है, तो एक सप्ताह के टाइम के बाद वो फाइनल भेजेंगे और उसको हम फिर पुनः चीफ सेक्रेटरी सर से अनुमोदन कराते हुए वाइब्रेंट विलेज में एमएचए में भेजेंगे। एमएचए में भेजने के बाद जो एमएचए उसके बाद उस पर जो डिसीजन लेगा, बिकॉज अभी तक एमएचए से स्टेट एलोकेशन कितना होगा क्या होगा वो फिर एमएचए उस हिसाब से हमें बताएगा।